महानगर की सफाई व्यवस्था को लेकर कमिश्नर अमित कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कमिश्नर ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई तथा नगर निगम के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि महानगर की सफाई व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। अगर कहीं भी गंदगी पाई गई तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि सफाई संबंधी संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध होना चाहिए। यदि संसाधन की कमी पाई गई तो संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाएगी। कूड़ा निस्तारण निर्धारित स्थान पर हो और पड़ाव के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक पड़ाव पर एक सफाई कर्मी की ड्यूटी भी लगाएं और जगह जगह डस्टबिन रखा जाए और उसकी सफाई भी सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी वार्डों के सुपरवाइजरों को निर्देश दिए कि प्रत्येक वार्ड में बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यहाँ से कैरियर उठाया वहाँ रख दिया, अब उस ठेला जो है वहाँ से गाड़ी आती है 2 बजे 2:30 बजे, तब तक सर उस जानवर जो है उसको फिर स्प्रेड कर देते हैं। तो छोटा कूड़ा सर है, और स्पेशली गली है सर, छुट्टी में है क्या सर? स्पेशली गली है सर, वहाँ सफाई होती है डेली, वहाँ वहाँ से गाड़ी साफ होती है। सिक्वेंसिंग क्या है ये बताइए हमको, सुपरवाइजर बताएजर है किसी को भी जानकारी नहीं, क्या लगता है सुबह से शाम तक किसी को पूरे विभाग आप लोगों के लिए तंग करते हो, इसकी क्या समाधान है? सर हमारे साथ बैठे मेरी बात सुन लीजिए, कहाँ जाता है वो, कहाँ क्या काम नहीं करते हैं, वो सफाई जहाँ एसपी सिटी रहते हैं, जहाँ सिटी में स्टेट होते हैं, क्या उसका इतिहास क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है गंदगी कूड़ा सेट वाले में, और बाकी शमसुद्दीन सेम चीज इसकी भी है 4 तारीख की, और दूसरी वजह तो ये कि जो गिराने वाले उन्होंने गलत तरीके से गिराना शुरू कर दिया था, अंदर जाके नहीं गिराया था, बाहर डाल रहा था, ये नहीं करते तो समस्या नहीं आती, समस्या पैदा करना तो हम लोगों का काम है अपने लिए, और क्योंकि कहीं तक कोई कच्ची कार्रवाई नहीं हुई थी कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाए, कोई कमी रह जाए।